उसके बाद तो सबको शेर की दहाड़ी सुननी है। शेर रशीद पर तशरीफ फरमा। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के हम सबके सदर जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, महाराष्ट्र के हमारे प्रेसिडेंट मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जनाब इम्तियाज जलील साहब, तमाम जिम्मेदार यहाँ पर मौजूद मेरे दोस्त, मेरे बुजुर्ग, मेरे भाइयों और मेरी पर्दा नशी माँ बहनों, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। हिंदुस्तान, हिंदुस्तान, इंकलाब, इंकलाब। दूर से आवाज आ रही है, इनको हिला रहा है ना, मोदी अमित शाह के तख्त को गिरा रहा है ना, तो ऐसा आवाज बना ना कि आवाज यहां से लगे और तक जाके दिल्ली के अंदर की। कुछ महीनों पहले से आप तमाम ने हमने देखा कि देश में एक काला कानून लाया गया, CAA, झूठ की बुनियाद पर हमारे देश के होम मिनिस्टर श्री अमित शाह ने पार्लियामेंट में कहा कि 130 करोड़ की जनता हमारे इस बिल का समर्थन कर रही है, हम ये बिल इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। उन्होंने कहा ओवैसी साहब 2024 तक पूरे देश में NRC लागू कर देंगे। ये मैंने अकेले नहीं, पूरी हिंदुस्तान ने नहीं, पूरी दुनिया ने देखा। उसके बाद वहीं पर हमारे देश के वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा रामलीला मैदान से कि हम NRC की तो कोई बात ही नहीं की। अब किसकी बात को सच मानेंगे, किसकी बात को झूठ मानेंगे, ये तो तमाम देश ने फैसला कर दिया। उसके बाद पूरे देश में शाहीन बाग बन गया। इस बिल के खिलाफ तमाम हमारे भाई बहन, दोस्त, बुजुर्ग, स्टूडेंट्स, लॉयर्स, डॉक्टर्स सबके सब उतर गए, एहतजाज किया, क्योंकि ये असंवैधानिक, अनकॉन्स्टिट्यूशनल कानून था, ये वायलेशन ऑफ आर्टिकल 14 था। सब उतर गए पूरे सड़कों पर, रस्तों पे, और एहतजाज शुरू कर दिया। ऐसा एहतजाज शुरू किया कि शाहीन बाग पूरे देश को बना दिया, और हमारी मां बहने आज तकरीबन 60-60 दिन से देश के शाहीन बाग में बैठी हुई थी। मैं सलाम करता हूं, सैल्यूट करता हूं मेरी उन तमाम मां बहनों को जो देश की विभिन्न जगहों पर शाहीन बाग बनाकर बैठी है और इस काले कानून का विरोध कर रही है। मोदी और अमित शाह ये असल शेरनिया, ये असल शेरनिया है, ये आज के दौर की वो झांसी की रानिया है जो निकल पड़ी है तुम्हारे काले कानून के खिलाफ। और वक्त इस बात का गवाह है कि जब जब इस तरह से एहतजाज किया है, अल्हम्दुलिल्लाह देश में इंकलाब आया है। और अब कर रहे हैं, तुम गोलियां बरसाओ, तुम लाठियां बरसाओ, तुम टीयर गैस बरसाओ, हम संविधान को लेकर आगे चलते रहेंगे और तुमसे अपनी जुबान से मुकाबला करते रहेंगे, करते रहेंगे, करते रहेंगे। सीनों पे गोलियां खाएंगे मगर कागज नहीं, कागज नहीं, तुम मारो गोलियां, तुम चलाओ लाठियां, तुम्हारी गोलियां खत्म हो जाएगी मगर हमारे सीने खत्म नहीं होंगे, याद रखना। तुम 100 को मारोगे, 1000 देश में भी पैदा हो जाएंगे। तुम 1000 को मारोगे, 1,00,000 संविधान के रक्षक पैदा हो जाएंगे। कितनों को मारोगे मोदी अमित शाह, कितनों को मारोगे? नहीं मार सकते, क्योंकि अब इनकलाब आएगा। क्या कहा था आपने,
देश के गद्दारों को गोली मारो। अरे ये जो प्रदर्शन कर रहे हैं, आज संविधान को बचाने के लिए जो लड़ रहे हैं, क्या आपको ये गद्दार नजर आते? अरे ये असल देश प्रेमी है, ये वो लोग हैं जो संविधान को बचाने निकले हैं, ये वो लोग हैं जो सेक्युलरिज्म को बचाने निकले हैं, ये वो लोग हैं जो हमारे देश की डेमोक्रेसी को बचाने निकले हैं। और तुम कहते हो कि ये देश गद्दार है, शर्म करो। अगर संविधान को बचाना गद्दारी है तो हाँ मानिस पठान गद्दार है, आओ मुझे गोली मार। अगर डेमोक्रेसी को बचाना गद्दारी है तो हाँ आओ वारिस पठान गद्दार है, मार के दिखा दो गोली। डरने वाले नहीं है, 1.25 मीटर सफेद कपड़ा गाड़ी में लेके घूमते हैं मोदी अमित शाह, याद रखो। जब आएगी चले जाएंगे, मेरा तो ईमान इसी बात पर है ना, लिखा हुआ है वक्त। मगर आज मेरे देश के डेमोक्रेसी का सवाल है, मेरे देश के संविधान का सवाल है, और अब हम पीछे नहीं हटेंगे। ये जो कदम हमने आपने मिलकर बढ़ाया है, मेरे भाइयों बहनों बुजुर्गों मेरी माँ बहनों याद रखना, ये वो कदम है जो हमारे देश को इस मोदी और अमित शाह की फासिस्ट रजीम से आजादी दिलाएगा। ये कदम कल आप जवाब दे सकोगे हमारे बच्चों को, जब बच्चा पूछेगा अम्मा कि मेरी सिटीजनशिप के ऊपर जब शक किया जा रहा था, जब सिटीजनशिप पर बात आ गई थी तब तुम क्या कर रहे थे, तब तुम खड़े होकर बोलना बेटा जब तेरी सिटीजनशिप को चैलेंज किया जा रहा था हम ठंडी में बैठे थे शाहीन बाग में और विरोध प्रदर्शन कर रहे थे देश के अंदर। याद रखना कोई चीज आसानी से नहीं मिली ना कभी मिलेगी, जद्दोजहद करनी पड़ेगी। आज देखिए पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे थे लोग, संविधान ने हमको इजाजत दिया, आर्टिकल 19 इस बात की इजाजत देता है कि आप प्रोटेस्ट कर सकते हो। 25 लोगों को गोली मार दी, हजारों लोगों को जेलों में बंद कर दिया, डराने की कोशिश की, धमकाने की कोशिश की, मगर कोई डरा नहीं। डरा अगर डरते तो आज गुलबर्गा के ये मैदान में सरों का समंदर नहीं होता, याद रखो। ये सरों का समंदर इस बात की गवाही देता है कि मोदी और अमित शाह जब तक तुम ये काला कानून वापस नहीं लोगे, जब तक हम प्रोटेस्ट हमारा जारी रखेंगे तुम्हारे काले कानून के खिलाफ, करते रहेंगे हम प्रदर्शन, तुम में हिम्मत है तुम गोलियां चलो। एनपीआर अभी नया ये लाया, घर घर आएंगे लोग, तुमसे नाम पूछा जाएगा, कहा जाएगा पहले भी तो तारे पहले के एनपीआर में और आज के एनपीआर में जमीन आसमान का फर्क था। इसमें 8 सवाल दिए गए, तुम्हारे मां बाप कहां चलेंगे, हिंदुस्तान में 18 से 20% लोगों के पास खुद के बर्थ सर्टिफिकेट है, बाकी लोगों के पास नहीं है, तो इतने सारे लोग अपने मां बाप के बर्थ सर्टिफिकेट कहां से नहीं दिखा सकते। ये डेमोग्राफी भी होगा, बायोमेट्रिक भी होगा, इसका विरोध करना बहुत जरूरी है। लोग बोलते हैं अरे तकलीफ दे रहे हैं आप लोग, रस्ते बिगड़े, आज की ये तकलीफ आने वाले दिनों में हमको सुकून पहुंचाएगी। मेरे घर पे अगर कोई आया एनपीआर इल्यूमिनेटर दरवाजा खटखटाया, तुम्हारा नाम क्या है, मैं तो मेरा नाम सोच लिया हूं क्या बोलने वाला मैं तो मेरा नाम कुछ भी बोल दूंगा, अल पचीनो बोल दूंगा, चलो रॉबर्ट डेनिरो बोल दूंगा, जो नाम आया बोल दूंगा, क्या करेंगे मोदी अमित शाह। और मुझे यकीन है मेरी तरह हिंदुस्तान में मेरे ऐसे सैकड़ों भाई बहन हैं कि जिनके घर पे अगर इल्यूमिनेटर गया तो मेरी बहन दरवाजे पे खड़े रहकर बोल देगी चल यहां से जा, मेरा नाम झांसी की रानी है चल। क्या करेंगे हम, लाखों करोड़ लोगों को एक साथ रस्ते पे खड़े रहकर गोली मार देंगे क्या, हमको गैस के चैम्बर में डाल देंगे क्या? नहीं, तुम में ताकत नहीं है, क्योंकि तुम
झूठ की बुनियाद पर लड़ते हो, झूठ की बुनियाद पर आगे बढ़ते हो, और हम हमारे जज्बे से आगे बढ़ते हैं, हम हमारे ईमान के खातिर आगे बढ़ते हैं, हम दिल में ईमान और जुबान पे हमारा कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह लेके आगे बढ़ते हैं। इसलिए हमारे दिलों में डर खौफ नहीं होता किसी के लिए, और डरने और घबराने का नाम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, ये तो हम सबने देखा। अभी इम्तियाज भाई ने आपके सामने बताया क्या हुआ था पार्लियामेंट में, वो तो मौजूद थे, मगर करोड़ों की तादाद में पूरे देश ने देखा कि जब ये काला कानून पार्लियामेंट में लाया गया, ये बिल लाया गया, तो 500 के बीच में कौन था जो वो एक वाइट शेर बन के खड़ा हुआ और बिल को फाट 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 पच्चन के उठा के फेंक। तो ऐसी जमात का मैं एक सिपाही, हम ऐसी जमात से जुड़े हुए, और आज पूरा देश, पूरी दुनिया ये बात पे आगे चल रही है कि अब हमको संविधान बचाना है और ऐसे बहादुर शेर का साथ देना है। याद रखें, अगर हमको आगे बढ़ना है तो ऐसे इंसान के साथ चलो जो हमारी आवाज बनके पार्लियामेंट हो या टीवी हो या पब्लिक मीटिंग हो, जलसे हो, कहीं भी हो, अपनी आवाज बुलंद करे और इनको आंख से आंख मिलाकर इनको टक्कर दे, ऐसे इंसान का साथ दे। याद रखना, देश बड़े नाजुक मोड़ से गुजर रहा है, लोगों के ऊपर जिन ऐसे अल्फाज यूज करते हैं देश के गद्दारों को, उन पे केस भी बुक नहीं होता। जो लोग ये बोलते हैं कि इनके मदरसों में क्या सिखाया जाता है, मैंने जवाब दिया, अच्छा वो मुझे याद आया ये बात, एक है इसी तरह का बेवकूफ इंसान बिहार के अंदर बैठे बैठे प्रेस कॉन्फ्रेंस करता रहता है और रोज एक बात बोलता है, और मैं भी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का स्पोक्स पर्सन बराबर जवाब दे रहे हम भी उनको, बोलता हमारे मदरसों में से आतंकवादी पैदा होते हैं। अरे झूठे, मैं बताता हूं आतंकवादी कहां से आता है। महात्मा गांधी फादर ऑफ द नेशन को जिस आतंकवादी नथुराम गोडसे ने मारा था वो किस शाखा से आया था? गुजरात में हमारी मां बहनों की इज्जत लूटी गई, बच्चों को मारा गया, और जिन्होंने मारा था वो किस शाखा से आते थे? जामिया में और शाहीनबाग में तो पिस्तौल लेकर चला गया, वो किसकी बात सुनकर चला गया था और किसकी शाखा से आया था? जरा जवाब दे दो मुझको इस बात को। इनके पास अगर अल्फाज है तो हमारे पास भी वो जुबान है जो इनको मुंह तोड़ जवाब दे सकते। हमारी जबान की आतिशबाजी का मुकाबला ये नहीं कर सकते, याद रखना मेरी इस बात को। ईंट का जवाब पत्थर से देना सीख लिया है हमने, मगर इकट्ठा होकर चलना पड़ेगा। आजादी लेनी पड़ेगी और जो चीज मांगने से नहीं मिलती उसको छीन के लेना पड़ेगा, ये भी याद रखना। अब वक्त आ गया है, हमको बोला, मां बहनों को आगे भेज दिया, खुद ब्लैंकेट में भेज गए। अरे भाई, अभी तो सिर्फ शेरनिया बाहर निकली है और तुम्हारे पसीने छूट गए, और समझ लो अगर हम लोग साथ में आ गए तो क्या होएगा। 15 करोड़ है मगर 100 के ऊपर भारी है, याद रख लेना ये बात, ये याद रख लेना बात। मैं आप तमाम का ज्यादा वक्त नहीं लेते हुए, हम सब जिनको सुनने के लिए बैठे हैं, कुछ चंद अल्फाज रखकर अपनी बात को खत्म करूंगा कि देखिए इस वक्त देश को जो सबसे ज्यादा जरूरत है वो इत्तेहाद की, मुत्तहिद होना पड़ेगा। आज आप तमाम ने देखा है कि अगर देश में जहां जहां भी आंदोलन प्रदर्शन हो रहा है एनआरसी एनपीआरसीए के खिलाफ, तो तमाम जाति के लोग आ गए, हमारे हिंदू भाई बहन, दलित भाई बहन, सब लोग आ गए, क्योंकि यह मसला सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं है, यह मसला तमाम देश के नागरिकों का है जिसको मोदी और अमित शाह की फासिस्ट गवर्नमेंट खत्म करना चाहती है। एक एक कर तो लड़ाई है, लड़ना है, दूर तक लड़ना है, एक साथ होकर लड़ना है। तो देंगे ना जनाब पेरिस्टा सतु दिनों में सी साहब का साथ, लड़ेंगे ना साथ में मिलकर, बनेंगे ना इनकी ताकत,
अब तब अब आ रहे आ रहे। मैं अब आपके सामने ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर अलहाज जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को दावत देता हूं कि वो यहां आए और अपनी बात रखे। देखो देखो कौन आया, देखो देखो कौन आया, देखो देखो कौन आया, असदुद्दीन ओवैसी।